न्यू ब्रेक फ्लूड का कलर यार टोटली ट्रांसपेरेंट है यार, ऐसा लग रहा है कि पानी भर रहे हम लोग उसके अंदर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग बैक टू माय चैनल दैट इज सागर्स लाइफ, आवर चैनल नेम। सो एज द टाइटल आप लोगों को तो पता है व्हाट इज दिस वीडियो इज अबाउट। दिस वीडियो इज वेरी स्पेशल फॉर RR310 ओनर्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द RR310 ओनर्स आर फेसिंग स्पॉन्जिनेस इश्यूज ऑफ देयर रियर ब्रेक। जब भी रियर ब्रेक पुश कर रहे हैं सो ब्रेक पैडल डायरेक्टली नीचे चला जाता है, उसके अंदर जरा से भी हार्डनेस नहीं होती। द रीजन बिहाइंड इट दैट कि उसके अंदर एयर पकड़ लेता है, सो वो ही एयर कैसे रिमूव करते हैं और जो करंट ब्रेक फ्लूइड है उसको ड्रेन करके नया ब्रेक फ्लूइड अपनी बाइक के फ्रंट ब्रेक में और रियर ब्रेक में कैसे चेंज करते हैं वो सब प्रोसेस दिखाऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 3 साल कंप्लीट होने आए, नेक्स्ट मंथ में कंप्लीट हो जाएगा 3 साल। सो 2 साल की जो सर्विस रहती है उसी के अंदर आपको टोटल चेंज करना रहता है, बट मैंने जस्ट टॉप अप किया था। बट टुडे आई एम गोइंग टू कम्प्लीटली ड्रेन आउट द ओल्ड ब्रेक फ्लूइड एंड पुट न्यू ब्रेक फ्लूइड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, ब्रेक फ्लूइड चेंज करने के लिए हमको रिक्वायर है ये सारी चीजें। सो ये स्पैनर ऑफ नंबर 8-9। तो ये है अपना मास्टर सिलेंडर ओपन करने के लिए स्क्रू ड्राइवर, ये है सिरिंज फॉर ड्रेनिंग आउट द करंट ब्रेक फ्लूइड फ्रॉम मास्टर सिलेंडर, ये है बॉटल प्लास्टिक के उसके ऊपर मैंने पाइप कनेक्ट कर दिया है जिसको मैं करंट करूंगा एट ड्रेनेज पोल्ट, तो उसमें से करंट ब्रेक ऑयल बाहर आ जाएगा। और ये है ब्रेक ऑयल जो मैं यूज करूंगा, इट्स ऑफ बॉश .4। यस, आई एम गोइंग टू इंस्टॉल द .4। सो इसकी कैपेसिटी है 500 ml। सो इसकी कॉस्ट यहाँ पे दी है ₹183, March 2020 की पैकेज है, बट दिस वन कॉस्टेड मी अराउंड ₹140 वाइल Amazon सेल। इफ इन केस आपको भी ये बाय करना है तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यू गाइज कैन बाय फ्रॉम दैट। सो फ्रेंड्स, ये रही अपनी बाइक एज वी हैव ड्यूल डिस्क एंड ABS सिस्टम ऑन RR310। आगे के पीछे के दोनों जगह पे हमको सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। मास्टर सिलेंडर यहाँ पे है और रियर का यहाँ पे है। सो इस प्रॉब्लम की बात कर रहा था दोस्तों, जब भी मास्टर सिलेंडर की ब्रेक फ्लूइड में एयर पकड़ लेता है ये अपना ब्रेक पैडल कम्प्लीटली नीचे चला जाता है। बहुत सारे यूजर्स ने प्रॉब्लम फेस किया है, तो इसके लिए आपको मास्टर सिलेंडर से इस एयर को रिमूव करके सिर्फ ब्रेक फ्लूइड का फ्लो बरकरार रखना है। सो फ्रेंड्स, आगे का जो मास्टर सिलेंडर का एरिया है और जो क्लच का एरिया आप देख सकते हो थोड़ा नीचे की तरफ स्लैंटेड है, ये मैंने खुद एडजस्ट किया है। जो भी मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर है उनको तो पता ही है रीजन बिहाइंड इट। मेक श्योर एक क्लोथ नीचे की तरफ डाल दो, बिकॉज ब्रेक फ्लूइड जो एक ऐसा लिक्विड है जो बहुत कोरोसिव रहता है, अगर थोड़ा सा भी आपकी बाइक के पेंट के ऊपर या फेरिंग के ऊपर गिर जाएगा तो उसका कलर टोटली चला जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा, जो सर्विस सेंटर वाले की मेहरबानी है, यहाँ पे एक्सेसिव उन्होंने भर दिया था और बिकॉज ऑफ दैट यहाँ का कलर टोटल चला गया है। ऑल्सो अगर आपके दोनों भी स्क्रू नहीं रिमूवर हैं, अगर आप रेगुलर नहीं ओपन कर रहे हो तो आप यहाँ पे WD और पेट्रोल यूज़ कर सकते हो, तो उससे थोड़ा लूज हो जाएंगे फॉर ओपनिंग। दोनों भी स्क्रू अपने रिमूव हो गए हैं, बहुत धीरे धीरे से रिमूव कर लीजिए। कैप उसको झट से बाइक के एरिया से बाजू में ले लिया, अदरवाइज के नीचे ड्रॉप्स आपकी बाइक के ऊपर गिर सकते हैं, तो झट से उसको बाजू में कर लीजिए। सो ये है कंडीशन ऑफ माय अराउंड 3 ईयर्स ओल्ड आप बोल सकते हो ब्रेक फ्लूइड। मास्टर सिलेंडर के अंदर मुझको बहुत सारी डस्ट भी दिख रही है, सो वो भी क्लीन करने पड़ेगी, बट बिफोर दैट ये कम्प्लीटली ब्रेक फ्लूइड हमको ड्रेन करना पड़ेगा। तो कैसे ड्रेन करना लेट मी शो यू। सो ब्रेक फ्लूइड के पीछे का लॉजिक बता देता हूँ आपको, कब आपको ये प्रोसेस करना है। इफ़ इन केस अगर आप मास्टर सिलेंडर चेंज करते हो या जो ये पाइप है ब्रेक फ्लूइड का वो चेंज करते हो या कैलिपर चेंज करते हो, उस वक्त आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। अदर देन दैट 1 या 1.5 साल के बाद आप रेगुलर इस ब्रेक फ्लूइड को ड्रेन करके न्यू ब्रेक फ्लूइड आपको डालना है, तब आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। ब्रेक फ्लूइड के फंडे में आपको दिखा देता हूँ, जब भी आप करंटली पुश करते हो आप एक देख सकते हो यहाँ पे एकदम हार्ड है, बट जब भी यहाँ पे स्पॉन्जिनेस आ जाती है तब भी आपको ब्रेक फ्लूइड चेंज करना पड़ता है। स्पॉन्जिनेस का मतलब है कंप्लीट असेंबली के अंदर एयर पकड़ लेता है, सो जब भी वो एयर आ जाती है
आपका जो ब्रेक है वो हार्ड नहीं रहता है, कुछ उसके अंदर जान ही नहीं रहती। ऑन दैट स्टेज ऑल्सो यू हैव टू कम्प्लीटली रिमूव द एयर, जो मैं आपको इस वीडियो के आगे बता दूंगा। सो जब भी यहाँ पे पुश करता हूँ आप देख सकते हो कुछ एयर बबल नहीं आ रहे, दैट मीन इस कंप्लीट सिस्टम में जरा सी भी एयर नहीं है। सो ब्रेक फ्लूइड ड्रेनेज जो बोल्ट है वो यहाँ पे है, आप देख सकते हो उसके अंदर कैप रहती है। इफ इन केस यहाँ की कैप रिम गिर जाती है सो यहाँ से डस्ट अंदर जाने के चांसेस है। सो मेक श्योर आप इस कैप को वहाँ पे वापस इंस्टॉल करें। 8 नंबर के स्पैनर से ये बोल्ट लूज हो जाएगा, बट बिफोर दैट हमको यहाँ पे ये एक्वा पाइप विद दिस बॉटल इंस्टॉल करना है। सो ये ओल्ड ब्रेक ऑयल है ऑफ माय जिक्सर, क्योंकि बिफोर शूटिंग दिस वीडियो आई हैव आल्सो चेंज द ब्रेक फ्लूइड ऑफ माय जिक्सर। अगर आप लोगों को वो वीडियो देखना है तो उसकी लिंक अभी आई बटन में आई रहेगी, यू गैस कैन चेक इट आउट। सो अभी इस पाइप को उस ड्रेनेज बोल्ट में इंस्टॉल कर देता हूँ। सो इस पाइप को हमने यहाँ पे फिट कर लिया है, अब इसको स्लाइडली ओपन कर देंगे और उसके बाद जो भी करंट ब्रेक फ्लूइड है वो यहाँ से बाहर आ जाएगा। यूज कर लिया मैंने, आप देख सकते हो ब्रेक फ्लूइड बाहर आने को चालू हो गया। सो करंटली हम करने वाला है कम्प्लीटली ड्रेन। सो ये जो कम्प्लीट ब्रेक फ्लूइड है अपनी मास्टर सिलेंडर से इस पाइप के अंदर तक, वो कम्प्लीट हम ड्रेन कर देंगे और उसके बाद न्यू ब्रेक फ्लूइड अंदर डाल देंगे। अब मैं यहाँ से प्रेशर जनरेट करूँगा इसको पुल कर करके, ये आप देख लीजिए जट से इसके अंदर स्पॉन्जीनेस आ गई, दैट मीन इसके अंदर एयर पकड़ ली। ऐसे हमने नीचे की तरफ से ड्रेनेज बोल्ट को ओपन कर लिया है। सो जैसे जैसे आप यहाँ पे इसको पुश करेंगे ब्रेक फ्लूइड नीचे की तरफ चला जाएगा, ये देख लीजिए नीचे की तरफ जा रहा है। अभी आपको ड्रेनेज बोल्ट का एरिया दिखा देता हूँ। As you can see, the brake fluid is coming out. सो अभी आप देख सकते हो जैसे जैसे यहाँ से हमने पुश कर लिया है यहाँ का ब्रेक फ्लूइड कम होते गया। सो इसको रेगुलरली आपको टॉपअप करते रहना है। तो इसको वापस टॉपअप कर रहा हूँ मैं, ये जो टॉपअप के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ मेरा ओल्ड .4 ब्रेक फ्लूइड। सो हमने टॉपअप कर लिया, वापस इसको पुश कर रहा हूँ। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे धीरे धीरे एयर बबल्स आ रहे हैं क्योंकि थोड़ी थोड़ी हवा नीचे की तरफ से जनरेट हो गई है। सो जब तक आपको लगता नहीं कि नीचे से जो ब्रेक फ्लूइड आ रहा है वो फ्रेश नहीं है तब तक आप ये सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। ये लिख दीजिए नीचे की तरफ जा रहा है, ये देखिए बबल जनरेट हो रहा है। तो वापस इसको टॉप अप करता हूँ मैं। सो भी आप देख सकते हो यहाँ से ब्रेक फ्लूइड का कलर क्या हुआ है, ये कम्प्लीटली गंदा हो गया था और पहले से हमारे पास ओल्ड वाला भी था। सो अभी इस बोल्ट को टाइट कर लेता हूँ मैं। सो ये हमने कर दिया इसको टाइट। अभी ये जो एक्सेसिव ब्रेक फ्लूइड है उसको हम क्लोथ से, या जैसे हमने बता दिया हमारे पास सीरिंज भी है, सो इससे ये एक्सेसिव ब्रेक फ्लूइड कम्प्लीटली रिमूव कर देंगे और देन मास्टर सिलेंडर को क्लीन कर देंगे। सो अभी आप देख सकते हो जितना हो सके उतना ब्रेक फ्लूइड हमने रिमूव कर दिया है। अभी इस क्लोथ से कंप्लीट मास्टर सिलेंडर के एरिया को क्लीन कर देंगे। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मास्टर सिलेंडर के एरिया को कंप्लीटली हमने क्लीन कर दिया है न्यू टोटल ट्रांसपेरेंट बॉश .4 ब्रेक फ्लूइड। अभी जब भी मैं इसको यहाँ से पुश करूंगा बिकॉज इसके अंदर ये स्पॉन्जिनेस बन गया है ड्यू टू द एयर इनसाइड इट, सो जैसे यहाँ से पुश करूंगा यहाँ से एयर बबल आने को चालू हो जाएंगे। ये देखिए ये जो एयर है जो बाहर आ रही है बिकॉज ऑफ द प्रेशर। अभी हमको इट्स कंप्लीट पाइप के अंदर जो एयर पकड़ ली है वो रिमूव करनी है। लेट मी शो यू, इस ब्रेक लीवर को आपको 3 से 4 बार पुश करना है, 1, 2, 3, 4, दैट्स इट। चौथी बार इसको ऐसे ही पकड़ लीजिए और अपना जो ड्रेनेज बोल्ट है उसको लूज कर लीजिए, इसको यहाँ से रिलीज नहीं करना है। अगर आपके साथ कोई बंदा रहेगा तो उसकी हेल्प ले लेना, अगर आप अकेले हो तो यहाँ पे कोई भी रबर स्टैप लगा के आप इसको टाइट कर सकते हो। हमारे साथ सिया है सो हम सिया की हेल्प ले लेंगे। सो सिया यहाँ पे पकड़ के रख देगी, सिया प्लीज होल्ड इट अप। सिया ने इसको ऐसे ही टाइट पकड़ लिया है। अभी हमको ड्रेनेज बोल्ट थोड़ा सा लूज करके इसके अंदर की एयर रिमूव करनी है। सो इसको अभी साइडली थोड़ा सा लूज करना है, लूज कर लीजिए हमने, ये देखिए बबल्स आ रहे हैं उसके अंदर से।
रहा देखिए इट्स कम्प्लीटली बबल को आने की देने की, बस अभी नहीं आ रहे, उसको वापस साइड कर लीजिए कर लीजिए। अभी सिया को बोलते हैं छोड़ दो आप लीवर, वापस एक बार सेम प्रोसेस रिपीट कीजिए सिया आप। 1 2 3 4 सिया ने पकड़ लिया है, सेम प्रोसेस वापस यहाँ पे फॉलो करेंगे हम। लूज कर लिए, ये देखिए एयर बबल्स। सो इस प्रोसेस से जो भी एयर बबल यहाँ पे जनरेट हुए हैं वो रिमूव हो जाएंगे। अभी नहीं आ रहे, वापस सेट कर देता हूँ मैं, अभी वापस सिया को बोलूँगा सिया प्लीज़ रिपीट द प्रोसेस। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस टोटल पाइप में सिर्फ ब्रेक फ्लूइड है जो यहाँ पे आया, जो पहले वाला था मैंने फेंक दिया बिकॉज एग्जैक्टली रिजल्ट नहीं मिल रहा था कि येलो कलर वाला आ रहा है ब्लैक फ्लूइड और ट्रांसपेरेंट आ रहा है, तो अभी परफेक्टली ट्रांसपेरेंट आ रहा है और एयर ज़रा से भी नहीं है। यू गैस कैन सी कंप्लीट ब्रेक फ्लूइड भरा हुआ है उसके अंदर। सो आफ्टर रिपीटिंग द सेम प्रोसेस फॉर मोर देन 15 to 20 टाइम्स करेंटली देर इज़ नो एयर इन दिस पाइप, दैट मीन अपना एक कम्प्लीट प्रोसेस सक्सेसफुल हो गया है। अभी देखते हैं अपना ब्रेक लेयर में स्पॉन्जिनेस है या हार्ड हो गया है। मास्टर सिलेंडर के अंदर ब्लैक फ्लूइड मैंने टॉप अप कर दिया है एग्जैक्ट लेवल, और जब मैं पुश कर रहा हूँ यहाँ से कुछ भी बबल्स नहीं आ रहे, दैट मीन कम्प्लीटली एयर चली गई है फ्रॉम मास्टर सिलेंडर एंड थ्रू पाइप टिल कैलिपर, और अपना ब्रेक भी वापस हार्ड हो गया है। सो अभी आपको समझा देता हूँ ये स्पॉन्जिनेस और ये हार्डनेस ब्रेक की सिस्टम में क्यों आती है। ये अब सीरिंज है, इसको मैं नीचे आगे पीछे पुश कर रहा हूँ, ये इजीली हो रहा है। जब इसको यहाँ से बंद कर लेता हूँ और इसके अंदर की जो एयर है और तब उसको पुश करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अंदर की तरफ पुश हो रहा है, तो इसको बोलते हैं स्पॉन्जिनेस। बट जब अब मैं इसके अंदर ब्रेक फ्लूइड फिल करूँगा तो आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर की थोड़ी एयर है वो रिमूव कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी इसके अंदर सिर्फ ब्रेक फ्लूइड है, जब अभी मैं इसके ऊपर प्रेशर करने को तैयार कर रहा हूँ ये देखिए जरा सा भी अंदर नहीं जा रहा है। सो ये कम्प्लीटली हो गया हार्ड, जरा सा भी स्पॉन्जिनेस नहीं फील हो रहा है। सो रीजन बिहाइंड इट, एयर इज कंप्रेसिव एंड द ब्रेक फ्लूइड इज नॉन कंप्रेसिव, तो दिस इज द साइंस बिहाइंड ब्रेक सिस्टम। इसे कैप के कवर का जो रबर है उसको भी आप क्लीन कर लीजिए प्रॉपरली, मेक श्योर एक क्लोथ आपके हाथ में रहे क्योंकि अगर एक्सेसिव ब्रेक फ्लूइड रहेगा तो बाहर आ जाएगा। सो स्लाइडली से पुश कर लीजिए, सो ये ऐसे अलग प्लास्टिक का कवर रहता है उसको इसकी जगह पे वापस डाल दीजिए, और मेक श्योर ये जो वार्निंग के वर्ड्स है वो टूवर्ड्स आपकी तरफ फेस होने चाहिए, दैट मीन ये ऐसे यहाँ पे लग जाने चाहिए। तो इन केस आपको इसकी मिनिमम लेवल देखनी है तो यहाँ पे दिख जाएगी आपको, ये जो कवर है ड्रेनेज बोल्ट का उसको लगा देता हूँ। मेक श्योर इसको वापस आप कनेक्ट कर लिए, अपना आगे के टायर का ब्रेक फ्लूइड कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। ये देखिए इतना बड़ा गैप है इन ब्रेक लीवर एंड एक्सेलरेटर। ऑल्सो इफ यू गाइज वॉन्ट टू चेक आउट दिस न्यू एडजस्टेबल ब्रेक लीवर, सो उसका भी वीडियो अपने चैनल के ऊपर है, आई बटन में आई लगी रिंग, यू कैन चेक आउट हाउ टू इंस्टॉल इट। सेम प्रोसेस रहता है रियर ब्रेक पैड के लिए भी, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ रियर के लिए कि ये जो ड्रेनेज का बोल्ट है ये, तो यहाँ से रिमूव कर दिया बट एरिया देख लीजिए उसको, यहाँ पे स्पैनर घुमाने के लिए कुछ जगह ही नहीं। अगर रोटेट करने के लिए यहाँ पे जाता हूँ तो इतना ही प्ले है, यहाँ पे डालता हूँ तो इतना ही प्ले है। सो घुमाने के लिए यहाँ पे कुछ मेरे को जगह ही नहीं मिल रही यहाँ पे। सो आई डोंट नो कैसे करते हैं, जब भी नेक्स्ट टाइम विजिट करूँगा सर्विस सेंटर इसकी एड ले लूँगा और ये सेम प्रोसेस फॉलो कर दूंगा। बट टिल दैट टाइम व्हाट आई एम गोना डू, सिरिंज से इसके अंदर का जो भी करंट ओल्ड ब्रेक फ्लूइड है उसको रिमूव कर दूंगा और न्यू ब्रेक फ्लूइड इसके अंदर टॉप अप कर दूंगा। बट व्हाइल डूइंग द सेम प्रोसेस कम्प्लीटली, जैसे मैंने बता दिया आगे की तरफ जो दो नीचे की तरफ होल रहे थे वो दोनों होल ओपन ही होने चाहिए, उसके अंदर लिक्विड होना चाहिए। अगर वो दोनों भी होल ओपन हो जाते हैं तो यहाँ पे एयर पकड़ लेगा और सेम अपना पीछे का ब्रेक जैसे नीचे की तरफ पुश होते रहेगा, उसके अंदर कुछ हार्डनेस नहीं फील होगी, सिर्फ स्पॉन्जीनेस रहेगी उसके अंदर। ये मास्टर सिलेंडर की कैप आप देख सकते हो, यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है यू कैन यूज .3 or .4 की भी हालत देख लीजिए आप, टोटली रेडिश हो चुका है, येलोइश होना चाहिए यार, काश मैं चेंज कर पाता, बाय द टाइम सिरिन से उसको रिमूव कर दूंगा। सो फ्रेंड्स ये है जो होल पीछे की तरफ का, मगर इसके अंदर गंदगी भी देख लीजिए, बट आई विल ट्राई टू रिमूव व्हाटएवर पॉसिबल। सो अभी आप देख सकते हो इतना क्लीन तो हो गया है,
सो दैट्स इट, अभी इसकी कैप लगा देता हूँ। तो ये अपना कंप्लीट हो गया प्रोसेस फॉर रियर ब्रेक टू। सो रियर का 50% और आगे का 100% अपने बाइक का ब्रेक फ्लूड कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। तो फ्रेंड्स अपना आगे का पीछे का दोनों का काम हो चुका है, अभी एक टेस्ट राइड लेके फर्स्ट टाइम। बाय द वे अपना इंजन ऑयल अच्छी तरह से काम कर रहा है, इसका रिव्यू वीडियो आएगा थोड़े दिन के बाद आएगा। बट बिफोर दैट आई वांट टू कम्प्लीट ड्रेन आउट द कूलेंट ऑफ माय बाइक, तो उसका भी वीडियो जल्दी अपने चैनल के ऊपर आएगा। सो स्टे सब्सक्राइब फॉर दैट। कुछ ऐसी तरह से है अपनी ब्रेकिंग, फ्रंट ब्रेक और पीछे का ब्रेक परफेक्टली वर्क कर रहा है, अभी आपके सामने आपने एग्जांपल देख लिया। सो फ्रेंड्स दैट्स इट इन दिस वीडियो। इफ एनी हाउ आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगा रहेगा तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना, ऑल्सो यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड और एनी ऑफ द फोरम जहाँ पे आपको फ्रेंड्स को रिगार्डिंग दिस हेल्प चाहिए रहेगी तो आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो उनके साथ, ताकि अपनी बाइकर कम्युनिटी की और हेल्प हो जाएगी। ऑल्सो यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टिल नॉट सब्सक्राइब, देन आई विल रिक्वेस्ट यू यार अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, बिकॉज आई एम सीइंग अवर चैनल ग्रोथ इज नॉट दैट ग्रेट, बिकॉज अपने चैनल को ओपन करके हो गए ऑलमोस्ट 3.5-4 साल और स्टिल अपने सब्सक्राइबर यार 5,000-6,000 में अटक गए यार, ग्रोथ ही नहीं हो रही है। सो कभी कभी सोचता हूँ यार क्या करो, ऐसे वीडियो अपलोड करूँ या बंद कर दो यूट्यूब चैनल, बिकॉज आई अज्यूम दैट कोई भी चीज़ आप पूरी मेहनत से करते हो और उसका फल आपको नहीं मिले, ताली यार दोनों साइड से बजती है, मेरे साइड से फुल रिस्पॉन्स आ रहा है और आपके साइड से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो ताली नहीं बजती है। गाइस यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टिल नॉट सब्सक्राइब, देन आई विल रिक्वेस्ट यार अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन जाइए। सो दिस इज सागर साइनिंग ऑफ, ऑलवेज योर हेलमेट, राइड हार्ड, राइड सेफ, एंड हाँ प्लीज स्टे सेफ फ्रॉम दिस कोविड थिंग।